हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गर्मियों के लिए लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाना बताऊंगी, जो कि मैंने क्रोशिया से बनाया है और जो कॉटन थ्रेड आता है मार्केट में उसी से मैंने बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ड्रेस का लुक देखिए कुछ इस तरीका से है। देखिए ये ड्रेस आज मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरीका से बनाना है। तो ये ड्रेस आप लोग किसी भी साइज में बना सकते हैं। मैं ये घेरा थोड़ा सा बड़ा रखी हूँ, आप लोग चाहे तो ये घेरा को आप लोग छोटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वीडियो के अंत में बता दिया है तो किस तरीके से आप लोग इस ड्रेस को छोटा और बड़ा साइज में बना सकते हैं। तो ये ड्रेस आज किस तरीके से बनाना है मैं आप लोग को बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर जो थ्रेड यूज़ किया है, ये थ्रेड मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इस तरीका का गोला मिलता है मार्केट में, लोकल मार्केट से मैंने ये थ्रेड लिया है। तो इसका थिकनेस कुछ इस तरीका से है। मैंने इसको डबल करते हुए ये पूरा ड्रेस को बनाया है, ठीक है। तो दो गोला मैंने इस तरीके से ले लिया है और इसको मैंने डबल कर लिया है, और डबल करने के बाद फिर मैंने ये ड्रेस को बनाना स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से डबल करते हुए व्हाइट कलर भी सेम मैंने इस तरीके से गोला ले लिया है। व्हाइट कलर का भी गोला इस तरीके से मिलता है, इसको भी मैंने डबल करके ही बनाया है। और इसमें जो मैंने यहाँ पर नीडल्स यूज़ किया है, और मैंने जो नीडल्स यूज़ किया है, ये देखिए 12 नंबर का जो नीडल्स होता है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने सीजर यूज़ किया है। इसी से मैं आज ये ड्रेस आप लोग को बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने कोई भी तरह का मोती अटैच नहीं किया है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर मोती अटैच करके भी इसको और भी ज़्यादा डेकोरेशन कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए ये ड्रेस किस तरीके से बनाना है ये मैं आज आप लोग को बताऊंगी। मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोग से है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। वो प्रेस करते ही तीन ऑप्शन आप लोग के सामने आएगा, ऑल ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग किस तरीका से लड्डू गोपाल जी का चोली बना लीजिए। जो भी साइज में आप लोग बनाना चाहते हैं उस आप लोग उसी नाप का चोली बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी का बनाना बता रही हूँ वीडियो में। तो ये मैंने 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी का चोली बना लिया है। अगर आप लोग को ये नहीं बनाना आता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर भी देख कर बना सकते हैं। मैंने पहले ही ये चोली का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ये चोली बनाने के बाद फिर घेरा से मैं स्टार्ट करूँगी किस तरीके से बनाना है। देखिए इस तरीके से मैंने 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी का चोली बना लिया है। देखिए इसके बाद मैं एक फ्लैट सर्कल बनाऊंगी, एक घेरा जैसा बनाऊंगी, उसके बाद मैं आगे डिजाइन शुरू करूंगी। तो ये घेरा देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ये चोली बनाने के बाद स्लिप स्टिच से हम बनाते हुए आर्म होल के, देखिए ये आर्म होल के साइड यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब देखिए हम लोग घेरा किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 का चेन ले लिया है, बल लेंगे, और नेक्स्ट चेन देखिए ये वाला है, इसमें इस तरीके से नेजस को डालते हुए एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो अलग अलग दो मैंने डबल क्रोशेट बना लिए, 3 का चेन जो है ये एक डबल क्रोशेट के हिसाब से काउंट करेंगे, और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बना लिया, ठीक है। फिर देखिए एक चेन लेंगे, बल लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट बनाया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट और बनाएं, 2 डबल क्रोशेट मैंने बना लिया है। फिर चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, अलग अलग चेन में एक डबल क्रोशेट बनाया है, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट और बनाएंगे, 2 बनाया, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट, इसके नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे और नेक्स्ट 2 चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे अलग अलग चेन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा राउंड को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने ये राउंड को कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम 1 चेन ले लिए हैं, लेकिन 2 चेन रहता तो यहाँ पर हम लोग डबल क्रोशेट बना लेते, लेकिन यहाँ मेरा एक ही चेन है तो ये चेन को हम लोग स्किप कर देंगे। और इसको देखिए हम लोग कहाँ ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 तीसरा नंबर चेन में इस तरीके से नेजस को डालते हुए इसको हम लोग इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो राउंड को हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, 1 2 3 3 का चेन ले लिए हैं, और लेने के बाद नेक्स्ट जो चेन है इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे एक ही चेन में। एक डबल क्रोशेट बनाया, इसके अंदर ही एक डबल क्रोशेट और बनाएंगे, तो 2 डबल क्रोशेट एक साथ मैंने बनाया। तो देखिए अब ये जो 2 डबल क्रोशेट आप लोग को देख रहे हैं, 2 के ऊपर हम लोग 3 बनाएंगे। तो एक मैंने 3 का चेन लिया है, एक डबल क्रोशेट के हिसाब से काउंट हो गया, और नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने 2 डबल क्रोशेट बना लिए। तो देखिए ये 1 2 3 3 डबल क्रोशेट बन गया है। एक चेन लेंगे, फिर देखिए ये 2 डबल क्रोशेट है, 2 के ऊपर हम लोग 3 बनाएंगे। तो पहला वाला जो डबल क्रोशेट के ऊपर जो चेन दिख रहा है इसमें हम लोग एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट ये जो देखिए ये वाला डबल क्रोशेट के ऊपर ये चेन दिख रहा है इसमें हम लोग 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे,
एक बनाया, उसी में फिर नीचे से डालते हुए एक और बना ली, दो बन गया। ठीक है, तो देखिए तीन के दो के ऊपर मैंने तीन डबल क्रोशेट बना लिए, देख रहा आप लोग। फिर एक चेन लेंगे, फिर देखिए दो डबल क्रोशेट है, दो के ऊपर हम लोग तीन बनाएंगे, तो पहले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और सेकेंड वाले के ऊपर हम लोग दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट बनाया, उसी में फिर नीचे से डालते हुए एक डबल क्रोशेट और बनाया। तो इस तरीके से हम लोग तीन के ऊपर दो के ऊपर तीन डबल क्रोशेट ये राउंड में हम लोग बनाते जाएंगे और बीच बीच में एक एक चेन हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से राउंड हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से मैं स्लिप स्टिच से यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक है, अब ये तीन के देखिए एक दो तीन, तीन है, तीन के ऊपर हम लोग चार बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दो तीन, तीन चेन लेंगे। नेक्स्ट जो चेन दिख रहा है इसके ऊपर भी हम लोग एक बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट बना लिए। अब नेक्स्ट चेन जो दिख रहा है इसके ऊपर हम लोग दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक उसी में फिनिश को डालते हुए एक बनाए। तो तीन का चेन एक डबल क्रोशेट के हिसाब से काउंट हो गया। तो एक दो तीन चार, तो देखिए तीन के ऊपर चार मैंने इस तरीके से बना लिए। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। एक चेन ले लिए, अब देखिए तीन के ऊपर चार बनाएंगे, तो पहला वाला जो चेन दिख रहा है, देखिए पहला वाला ये वाला चेन दिख रहा है, इसके ऊपर नीचे इसको डालते हुए एक डबल क्रोशेट मैंने बना लिया है। सेकेंड वाला जो चेन दिख रहा है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशेट बना लिया है। लास्ट में इसके ऊपर देखिए हम लोग दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट बनाया उसी में फिर नीचे इसको डालते हुए एक डबल क्रोशेट और बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर देखिए तीन के ऊपर चार बनाएंगे, तो पहला वाला के ऊपर एक, सेकेंड वाला के ऊपर भी एक बनाएंगे, थर्ड वाला के ऊपर दो बनाएंगे। एक बनाया उसी में फिर इसको डालते हैं एक और। तो इस तरीके से हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तीन के ऊपर चार बनाया, अब चार के ऊपर पाँच बनाए, पाँच के ऊपर छः बनाए, इस तरीके से इसको घेरा को हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग घर को बढ़ाएंगे ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए पाँच, जब चार के ऊपर पाँच करेंगे तो पहला वाला के ऊपर एक, दूसरा वाला के ऊपर एक, तीसरा वाला के ऊपर एक, चौथा वाला के ऊपर दो बनाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में जो घर रहेगा इसके ऊपर हम लोग हमेशा बढ़ाएंगे दो डबल क्रोशेट, ये लास्ट का वाला घर में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इस तरीके से सेम प्रोसेस में हम लोग ये घेरा को बढ़ाते जाएंगे। पहले दो किया, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, छः, सात, आठ, इस तरीके से करके ये घेरा हम लोग पूरा बना लेंगे। बनाने के बाद फिर जो डिजाइन बनेगा ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये घेरा बनाने के बाद फिर मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैंने ये घेरा बना लिया है। तो यहाँ पर टोटल मैंने कितना राउंड बनाया है मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पर टोटल मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल मैंने यहाँ पर आठ राउंड बनाया है। ठीक है, तो आप लोग ये घेरा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और ये घेरा में मैंने थोड़ा चेंजेस किया है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए अगर आप लोग इस तरीके से घेरा बना रहे हैं और आपको इस तरीके से ड्रेस में झोल आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, इस तरीके से बनाई हूँ, तो आप लोग दो राउंड घर को बढ़ा नहीं भी बढ़ा सकते हैं, तब आपका ये झोल नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, देखिए दो मैंने इस राउंड में दो बनाया, नेक्स्ट राउंड में मैंने देखिए एक दो तीन, तीन किया, फिर नेक्स्ट राउंड में देखिए एक इंक्रीज और किया, एक दो तीन चार, चार बनाया, फिर नेक्स्ट राउंड में देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच मैंने बनाया, नेक्स्ट राउंड में देखिए एक दो तीन चार पाँच छः। तो देखिए ये राउंड मैंने छः बनाया, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बनाया। तो देखिए नेक्स्ट राउंड में हम लोग को सात बनाना था। ठीक है, तो मेरा घेरा में झोल आ रहा था इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर सात नहीं बनाए, छः ही रखा है, एक दो तीन चार पाँच छः, देखिए छः ही मैंने रखा है। तो आप लोग को भी ड्रेस में अगर झोल आता है तो ये नहीं कि आप लोग को बढ़ाना ही है, आप लोग नहीं भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ का छः मैंने बनाया तो यहाँ पर भी मैंने छः बना दिए, नहीं बढ़ाया। फिर देखिए नेक्स्ट राउंड में मैंने बढ़ाया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बनाया। फिर देखिए यहाँ पर आठ होना चाहिए था, मेरा ड्रेस में फिर झोल आ रहा था तो फिर मैं क्या की, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ही रख दिया, आठ नहीं बनाया। तो इस तरीके से मैं ये राउंड को बनाया है। यहाँ पर भी छः, यानी कि छः का मैंने दो बार बनाया, फिर सात का मैंने दो बार बनाया। तो इस तरीके से ये मैंने बनाया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप लोग को लगता है कि घेरा और थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप लोग नेक्स्ट और दो राउंड बना के उसके बाद डिजाइन को शुरू कर सकते हैं। मैं इतना ही रख के आगे डिजाइन को शुरू करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग को किस तरीके से बढ़ाना है। नहीं, यहाँ से सिर्फ से मैंने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर ऐसे कि हम लोग तीन चेन को इस तरीके से ले लेंगे और लेने के बाद देखिए जितना चेन है हर चेन में हम लोग किस तरीके से डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे।
देखिए हर चेन में मैंने डबल क्रोशेट बना लिया। अब देखिए हम लोग एक चेन ले रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर डबल क्रोशेट बना रहे थे, या फिर हम लोग यहाँ पर इंक्रीज भी कर रहे थे। तो इस राउंड में हम लोग को इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है, और हम लोग को चेन भी नहीं लेना है। यहाँ पर जो ये होल है इसमें हम लोग इस तरीके से नेजर्स को डालते हैं, यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बना लेंगे सिंपल से। फिर हम लोग जितना चेन है सभी चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे इस तरीका से, इस तरीके से सभी डबल क्रोशेट के ऊपर ये डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो ये होल है इसमें नेजर्स को डालते हुए एक डबल क्रोशेट बना लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसी भी डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर इस होल में एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इस तरीके से ये राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कहीं भी इंक्रीज नहीं करना है या चेन नहीं लेना है, ये सभी डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस होल में भी हम लोग एक डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर हम लोग आगे इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करके मैं आगे दिखा रही हूं। देखिए राउंड के एंड में आ गए हैं, इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब देखिए ये होल है, इसमें इस तरीके नेजर्स को डालते हुए एक डबल क्रोशेट हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पर एक दो तीन तीसरा नंबर चेन में स्लिप स्टिच से इसको इस तरीके से जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोग के एक दो तीन और चार चेन लेंगे, ठीक है। चार चेन लेने के बाद एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, नीचे एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेंगे, नीचे एक चेन को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से होल बनता जाएगा, ठीक है। एक एक चेन ऊपर लेते जाएंगे और नीचे एक एक चेन का गैप देते हुए ये पूरा डबल क्रोशेट हम लोग बना लेंगे। देखिए राउंड के एंड में हम लोग आ गए हैं, एक चेन ले लिए हैं। और लेने के बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने एक दो तीन तीन का चेन बनाया था, तीन नंबर चेन में इस तरीके से नेजर्स को डालते हुए स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिए। तो इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग वर्क कंप्लीट कर लिए हैं ग्रीन कलर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी धागा कट नहीं करेंगे, इस तरीके से एक पिन लगा के इसको रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर ले रही हूँ। देखिए ये एक डबल क्रोचेट, देखिए यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये एक डबल क्रोचेट, ये एक डबल क्रोचेट, ये दोनों डबल क्रोचेट के जो बीच में ये एक डबल क्रोचेट है, ठीक है। इसको इस तरीके से उठाएंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से उठाने के बाद इस धागा को हम लोग इस तरीके से इसमें इस तरीके से ले, और लेने के बाद एक चेन बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो तीन और चार, चार चेन इस तरीके से ले लिए। अब लेने के बाद देखिए ये चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट ये वाला चेन को इस तरीके से उठाएंगे। उठाने के बाद यहाँ डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहले धागा ले लेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट चेन को इस तरीके से उठाएंगे, डबल क्रोशेट बना लेंगे, एक चेन लेंगे, बल लेंगे, फिर डबल क्रोशेट हम लोग को बनाना है। नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, ये चेन को इस तरीके से उठाएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, ये चेन को इस तरीके से उठाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, ये चेन को इस तरीके से उठाएंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, चेन यानी कि डबल क्रोचेट को स्किप करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोचेट को इस तरीके से उठाएंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो कहाँ से ये पहला शुरुआत कहाँ से करना है ये मैं आप लोग को और एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये जो मैंने दो डबल क्रोचेट बनाया है, देखिए ये डबल क्रोचेट, इसके नीचे ये डबल क्रोचेट दिख रहा है आप लोगों को, बीच में जो सा डबल क्रोचेट है इसको हम लोग उठाएंगे, फिर ये डबल क्रोचेट, ये डबल क्रोचेट, बीच वाला डबल क्रोचेट उठाएंगे, फिर ये डबल क्रोचेट, ये डबल क्रोचेट, बीच वाला डबल क्रोचेट उठाएंगे, फिर ये डबल क्रोचेट, बीच वाला डबल क्रोचेट को उठाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए शुरुआत में ही हम लोग देखिए ये दोनों के बीच में ये वाला डबल क्रोचेट है, इसको उठाएं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सबसे पहले उठाएंगे, तब पूरा राउंड ही हम लोग को ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उठाने में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दोनों डबल क्रोचेट के बीच में जो डबल क्रोचेट रहेगा उसको उठाना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक एक चेन को स्किप करते हुए ये उठाएंगे, ये चेन को स्किप करते ये उठाएंगे, तो ये पूरा ठीक बनेगा। तो इस तरीके से पूरा राउंड को हम लोग कम्प्लीट करेंगे। इस तरीके से बना लिए, राउंड के एंड में आ गए हैं, एक चेन ले लिए और यहाँ पर एक दो तीन चार, चार नंबर चेन में इस तरीके से नेजर्स को डालते हुए एक स्लिप स्टिच बना ली। एक चेन लेते हुए धागा को यहाँ पर हम लोग कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए कुछ
इस तरीके से इसका, देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से है। अब देखिए हम लोग ग्रीन कलर से वर्क करेंगे, तो इस तरीके से व्हाइट कलर को ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे और ये जो ये धागा है इसको इसके अंदर से लाएंगे। देखिए इसके अंदर से इस तरीके से धागा को पहले यहाँ पर देखिए एक चेन ले लेंगे, उसके बाद हम धागा को लाएंगे। इस तरीके से एक चेन ले लिए, लेने के बाद इसके अंदर से निजस को डालते हुए इस धागा को देखिए इसके अंदर से इस तरीके से ले आए, ठीक है। लाने के बाद यहाँ पर एक चेन ले लिए, ठीक है। अब देखिए वर्क हम लोग को कैसे करें, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ख़त्म किया था, देख रहे ये धागा, इसको हम लोग पीछे की ओर इस तरीके से ले आए, ठीक है, पीछे की ओर कर दिए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ये जो आप लोग को लूप दिख रहा है एक बार हम लोग को इसमें डालना है और एक बार इसमें डालना है, ठीक है। तो इसमें जो सिंगल क्रोचेट बनाना है, तो ये देखिए इसमें इस तरीके निजस को डालें और डालते हुए पीछे देखिए एक घर को इस तरीके से ले लेंगे। देखिए इस तरीके से लिए, यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोचेट बनाएं, ठीक है। अब फिर देखिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे और पीछे देखिए हम लोग ये वाला चेन को इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, देख रहे हैं। और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। फिर एक बार देखिए, फिर अब हम लोग इसमें डालेंगे और पीछे देखिए ये एक लूप होल है, देखिए ये होल है, होल के अंदर इस तरीके से डाल देंगे, एक सिंगल क्रोचेट इस तरीके से बना लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें इस तरीके से निजस को डालेंगे, तो इसमें इस तरीके से निजस को डालें तो होल में आपने डालेंगे ये जो चेन दिख रहा है इसमें इस तरीके से डालेंगे, यहाँ इस तरीके से एक सिंगल क्रोचेट बनाएं, ठीक है। अब देखिए इसमें इस तरीके से डालें, ठीक है। अब देखिए इसमें इस तरीके से डालें, फिर देखिए चेन जो है इसमें इस तरीके से डालें, सिंगल क्रोचेट बनाएं, ठीक है। अब देखिए इसमें इस तरीके से डालें और ये होल दिख रहा है पीछे, होल में इस तरीके से डालेंगे, सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए होल में डालेंगे तो पीछे चेन में डालेंगे, देखिए एक मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर सामने में होल में डालेंगे तो पीछे चेन में डालेंगे और सामने में चेन में डालेंगे तो पीछे होल में डालेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से मैं आप लोगों को समझाती हूँ, देखिए अब देखिए सामने ये चेन में इस तरीके से डालेंगे, ठीक है, ये चेन में डालें तो पीछे देखिए ये होल दिख रहा है, इस होल में इस तरीके से डाल दिए और डालने के बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट इस तरीके से बना दिए, ठीक है। अब सामने में होल में डालना है, देखिए इस तरीके से होल में डालें तो पीछे हम लोग को चेन में डालना है, पीछे देखिए ये वाला चेन दिख रहा है इसमें इस तरीके से डालें, इस तरीके से सिंगल क्रोचेट बने, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना है। फिर सामने में देखिए चेन में डालेंगे, इस तरीके से चेन में डालें तो पीछे देखिए ये होल दिख रहा है, इस होल में इस तरीके से डाल दिए, इस तरीके से सिंगल क्रोचेट बना लिए। फिर सामने में देखिए ये होल में डालेंगे, देखिए ये एक होल में डालेंगे इस तरीके से तो पीछे देखिए चेन में डालेंगे, ये चेन आ रहा है, चेन में इस तरीके से डाल दिए। फिर देखिए सामने में देखिए ये चेन में डालेंगे, अब ये चेन में डालेंगे तो पीछे में देखिए ये होल आ गया, इस होल में इस तरीके से डाल दिए। फिर नेक्स्ट देखिए होल में डालेंगे तो पीछे चेन में डालेंगे, देखिए सामने ये होल है, होल में इस तरीके से जैसे डालें तो पीछे देखिए ये चेन आ जाएगा, ये देखिए, देखिए ये 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 एक चेन आ गया, इस चेन में इस तरीके से डाल दिए, ये सिंगल क्रोचेट बना दिए। अब देखिए सामने में सिंगल क्रोचेट बनाए, सामने में देखिए आप होल सामने में देखिए अब चेन में डालेंगे, इस तरीके से चेन में डालें तो पीछे देखिए ये होल आ गया, देख रहे हैं, ये देखिए ये होल है, ये होल में इस तरीके से डाल दिए, इस तरीके से। फिर देखिए इसमें होल में आया इस तरीके से तो पीछे देखिए चेन आ गया, देखिए ये चेन मतलब ये देखिए ये चेन, इसमें धागा को ले आएंगे और सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो सामने देखिए चेन में डाले तो पीछे देखिए ये होल आ गया, इसमें बना दिए। तो इस तरीका से ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है। पीछे देखिए लूप कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैं पीछे एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ, एक बार होल में डालना है, एक बार ये चेन में डालना है, फिर एक बार होल में डालना है, फिर एक बार ये चेन में डालना है, फिर एक बार ये होल में डालना है, फिर एक बार चेन में डालना है, इस तरीके से हम लोग को डालना है, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर की ओर से दिखा देती हूँ, एक बार होल में, एक बार चेन में, एक बार होल में, फिर एक बार चेन में, ठीक है। फिर एक बार होल में डालेंगे, फिर एक बार चेन में डालेंगे, ठीक है। तो ये फिर मैं आप लोग को बता देती हूँ, सामने अगर हम लोग चेन में इस तरीके से चेन को उठाएंगे तो पीछे होल आएगा और सामने इस तरीके से होल आएगा तो पीछे चेन आएगा। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ये बना लिया है, तो इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब देखिए हम लोग इसको जोड़ेंगे,
तो देखिए यहाँ पर जो ये चेन है इसमें इस तरीके से नेजस को डालते हुए स्लिप स्टिच इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच बना दी, तो ये जुड़ गया। अब देखिए नेक्स्ट में भी हम लोग इस तरीके से स्लिप स्टिच बना दी, ठीक है। दो में हम लोग स्लिप स्टिच बनाए। अब देखिए यहाँ पर एक और दो, दो चेन लेंगे, बल लिए, नेक्स्ट चेन में इस तरीके से नेजस को डालते हुए तीन लूप है, तीनों को इकट्ठे इस तरीके से निकाल दिया हाफ डबल क्रोचेट। तो एक दो का चेन, ये भी एक हाफ डबल क्रोचेट के हिसाब से काउंट करेंगे, एक हाफ डबल क्रोचेट मैंने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट चेन में फिर एक हाफ डबल क्रोचेट बनाए, तीन बन गया। नेक्स्ट में फिर एक हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे, चार। नेक्स्ट में फिर एक हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे, पाँच। तो देखिए पाँच हाफ डबल क्रोचेट मैंने इस तरीके से बना लिया है। एक दो, दो चेन लेंगे, एक चेन को नीचे स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोचेट बनाया, नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे दो, फिर नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे तीन, नेक्स्ट में बनाएंगे चार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे पाँच। फिर दो का चेन लेंगे, नीचे एक चेन को स्किप करेंगे, फिर देखिए पांच हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे अलग अलग चेन में। एक दो तीन चार पाँच, पाँच हाफ डबल क्रोचेट बनाए, दो चेन लिए, फिर नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में पाँच हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पाँच पाँच हाफ डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे और बीच में दो चेन और नीचे एक चेन को स्किप करेंगे, तो इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसका लुक मैं एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए इसके ऊपर एक होल आया, फिर ये दोनों के ऊपर नहीं आएगा, फिर तीसरा में एक होल आया, फिर ये दोनों के ऊपर नहीं आएगा, फिर तीसरा में होल आएगा, फिर ये दोनों के ऊपर नहीं आएगा, तीसरा में एक होल आएगा, फिर ये दोनों के ऊपर नहीं आएगा, तीसरा में एक होल आएगा। तो इस तरीका से ये बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा बना के फिर मैं आ गया आप लोग इस तरीका से हम लोग राउंड के एंड में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सभी में एक चेन का गैप दिए, लेकिन राउंड के एंड में देखिए दो चेन मेरा यहाँ पर आ गया है, तो हम लोग यहाँ पर दो चेन का ही गैप दे देंगे, ठीक है। तो ये दो चेन का गैप देते हुए दो चेन ऊपर मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर चेन में इस तरीके से नेजस को डालते हुए ये इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। धागा को कट नहीं करेंगे, यहाँ पर एक पिन हम लोग इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देंगे, इस तरीके से अटैच कर दिए। अब देखिए हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे व्हाइट कलर से। तो देखिए अब हम लोग ये होल में इस तरीके से वर्क स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके से होल में नेजस को डालते हुए इसको हम लोग इस तरीके से इसके अंदर से डाल लेंगे। और यहाँ पर हम लोग एक दो तीन और चार, चार चेन लिए, लेने के बाद इसी होल में नेजस को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाएं इस तरीके से, ठीक है। फिर एक चेन लिए। अब देखिए हम लोग को ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे, दो बार इस तरीके से बल लेंगे और देखिए इसको इस तरीके से हम लोग उठाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उठाते हुए यहाँ पर हम लोग ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से, धागा को थोड़ा सा बड़ा करते हुए दो बार निकाला, फिर दो बार निकाले, फिर दो बार निकाले इस तरीके से। एक चेन लिए और लेने के बाद फिर इसी होल में नीचे इसको डालते हुए डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक डबल क्रोचेट बनाया, फिर एक चेन लिए, फिर उसी में नीचे इसको डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन गया, देख रहे आप लोग। आगे देखिए क्या करना है, फिर हम लोग यहाँ पर एक और दो, दो चेन ले लेंगे, बल लेंगे और बल लेने के बाद देखिए इसी होल में फिर नेजस को डालते हुए डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक डबल क्रोचेट बनाया, एक चेन लिए, फिर नेक्स्ट में उसी होल में एक डबल क्रोचेट बनाए, एक चेन लिए, ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। दो बार धागा को इस तरीके से लेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। एक चेन लेंगे, फिर ये होल में डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक डबल क्रोचेट बनाए, एक चेन, फिर एक डबल क्रोचेट। तो इस तरीके से बनाना है। फिर एक दो, दो चेन लेंगे, लेने के बाद देखिए ये होल में फिर आगे नेक्स्ट होल में डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक डबल क्रोचेट बनाया, एक चेन लिए, एक डबल क्रोचेट बनाए उसी होल में, फिर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, इसको इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से, ट्रिपल क्रोचेट बनाए, फिर एक चेन लिए और इसी होल में फिर नेजस को डालते हुए डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक डबल क्रोचेट बनाया, एक चेन लिए, फिर उसी में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर दो चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से बनेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से पूरा राउंड को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से होगा। देखिए सब में मैंने दो दो करके इस तरीके से, देखिए यहाँ पर दो छोड़ते हुए ये एक बना है, फिर दो छोड़ते हुए ये एक बना है, लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ पर एक दो तीन, तीन छोड़ते हुए यहाँ तीन छोड़ा है मैंने, और यहाँ पर तीन छोड़ा है क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीन तीन छोड़ा। बाकी सब जगह देखिए मैंने दो दो करके छोड़ कर यहाँ पर त्रिपुर कुछ इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे देखिए हम लोग को क्या करना है, अब इसको हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और धागा को कट कर देंगे। एक दो तीन, तीसरा चेन में इस तरीके से नेजस को डालते हुए स्लिप स्टिच से हम इसको इस तरीके से जोड़ दिए। एक चेन ले लेंगे और यहाँ पर धागा को इसको कट कर देंगे। देखिए एक चेन ले लिए, धागा कट कर देंगे। अब देखिए हम लोग को जो वर्क करना है, ये ग्रीन कलर जो है मैंने कट नहीं किया है, ये ग्रीन कलर से हम लोग वर्क को स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो ग्रीन कलर है ये हम लोग यहाँ पर धागा को कट कर देंगे और सामने की ओर से धागा को जोड़ेंगे। देखिए एक ग्रीन कलर है, इसमें एक बार ये करते हुए हम लोग यहाँ पर एक चेन लेते हुए धागा को यहाँ कट कर देंगे। इस तरीके से कट कर दिए, ठीक है। अब देखिए धागा को हम लोग जोड़ेंगे यहाँ से, सामने की ओर से धागा को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक नॉट ले लेंगे, एक नॉट बना लिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये चेन में एक नॉट बना लिए। अब यहाँ पर हम लोग तीन डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक दो तीन। देखिए तीन डबल क्रोचेट बना लिए। अब बनाने के बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें इससे एक नेजस को डालेंगे। तीन धागा है, तीन को हम लोग दो करेंगे। ये जो दो धागा है दो को हम लोग एक नहीं करेंगे अभी, ठीक है। फिर बल लेंगे, फिर नेक्स्ट जो ये चेन दिख रहा है इसमें हम लोग इस तरीके से धागा लाएंगे, तीन को हम दो करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तीन है, ये तीनों को इकट्ठे इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। एक चेन लेंगे और लेने के बाद देखिए, अब देखिए हम लोग ये जो वर्क है यहाँ पर हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे। बल लेंगे, देखिए बीच में इस तरीके से नेजस को डालेंगे, यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाए, फिर बल लिए, ये चेन में इस तरीके से नेजस पर डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, दो डबल क्रोचेट बना, फिर देखिए दोनों डबल क्रोचेट के बीच में इस तरीके से डबल क्रोचेट बनाएंगे, तीन बन गया। फिर देखिए इसमें नेजस को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, चार। फिर देखिए दोनों के बीच में एक बनाएंगे, पाँच। फिर देखिए ये चेन में एक बनाएंगे, छः। और फिर देखिए दोनों के बीच में फिर एक बनाएंगे, सात। तो देखिए इस तरीके से ये बनाए, देख रहे सात डबल क्रोचेट बना लिए। बनाने के बाद देखिए इस तरीके से बल लेंगे। अब बल लेने के बाद देखिए ये जो चेन दिख रहा है नीचे में, इसमें हम लोग डबल क्रोचेट बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, दो रखे हैं। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोचेट बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, दो को निकाल देंगे, बाकी ये इसी में है। फिर एक बल लेंगे, फिर इसमें नीचे से डालते हैं डबल क्रोचेट बनाएंगे, दो को पहले निकाल देंगे। देखिए इकट्ठा अब चार आ गया, ठीक है। चारों को इकट्ठे इस तरीके से निकाल देंगे, एक चेन लेंगे और लेने के बाद फिर डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो ये डबल क्रोचेट देखिए, पहले ये दोनों डबल क्रोचेट के बीच में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर ये चेन में बनाएंगे एक बार, दो बन गया। फिर ये दोनों के बीच में बनाएंगे इसमें, तीन। फिर चेन में, चार। फिर दोनों के बीच में, पांच। फिर चेन में, छः। और फिर दोनों के बीच में, सात। इस तरीके से सात बन गया। अब देखिए फिर हम लोग डबल क्रोचेट बनाएंगे, तो कंप्लीट नहीं करते हुए बनाएंगे, इसमें इस तरीके से डालेंगे, दो लूप को निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, बल लेंगे नेक्स्ट वाला में, फिर दो लूप को निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला में दो लूप को निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। अब देखिए एक दो तीन चार, चार है, चारों को इकट्ठे इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। एक चेन लेंगे और लेने के बाद फिर देखिए डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो पहले ये दोनों के बीच में बनाएंगे,
और फिर चेन में बनाएंगे, फिर बीच में बनाएंगे। फिर देखिए चेन में बनाएं, फिर देखिए बीच में बनाएंगे, दो डबल क्रोशेट के बीच में, फिर देखिए चेन में बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशेट के बीच में बनाएंगे, फिर चेन में बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशेट के बीच में बनाएंगे। तो देखिए सात मेरा इस तरीके से डबल क्रोशेट, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो देखिए मैं एक बार आप लोग को और दिखा देती हूँ। देखिए इसमें एक बार डबल क्रोशेट नीचे वाला में, देखिए इसमें, इसमें और इसमें, ये तीनों में हम लोग डबल क्रोशेट बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। सब में एक एक बार निकालते हुए लास्ट में हम लोग चार डबल क्रोशेट रहेगा, चारों के इकट्ठे निकाल देंगे। फिर देखिए इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर चेन में, फिर दोनों डबल क्रोशेट के बीच में, फिर चेन में, फिर दोनों डबल क्रोशेट के बीच में, फिर चेन में, फिर दोनों डबल क्रोशेट के बीच में, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। मैंने ये पूरा कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है, ठीक है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये लड्डू गोपाल जी का ड्रेस। तो आप लोग इस ड्रेस को किसी भी साइज में बना सकते हैं। आप लोग ये ड्रेस अगर छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो घेरा छोटा बना लीजिए, उसके बाद सेम प्रोसेस में जिस तरीके से मैंने डिजाइन बनाना बताया है उस तरीके से आप लोग डिजाइन बना लीजिए। और इससे बड़ा अगर लड्डू गोपाल जी का आप लोग बनाना चाहे तो घेरा और दो राउंड और ज़्यादा बड़ा बना लीजिए, और उसके बाद सेम प्रोसेस में ये बनाइए। मेरा ये डिजाइन स्टार्ट होता है ये राउंड से डिजाइन स्टार्ट होगा, जहाँ से मैंने इस घर में भी, देखिए इस होल में भी एक डबल क्रोशेट बनाया है, वहाँ से ये डिजाइन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये राउंड तक एक जैसा बनाइए, और उसके बाद फिर जैसे मैंने हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाया है उस तरीके से बनाने के बाद फिर आप लोग इस तरीके से डिजाइन को बनाइए। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर लगेगा। किसी भी कलर में, किसी भी साइज में लड्डू गोपाल जी का ड्रेस आप लोग बना सकते हैं। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो और मेरा सिखाने का तरीका आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। ये प्रेस करते ही आप लोग के पास तीन ऑप्शन आएगा, ऑल ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर दीजिएगा। इससे यही होगा नेक्स्ट मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच। तो चलिए इस तरीका का और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट चलाती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।